सच्चा पश्चाताप कैसे करें, इस बात को लेकर प्यारे भाइयों बहनों आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। चालीसे की अवधि का पहला दिन यानी कि राख बुधवार है, आज फरवरी की 22 तारीख है और आज से आने वाले 40 दिन तक हम लोग विशेष रूप से प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करेंगे, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से ये अवधि हम सबों को प्रभु ने दी है, पूरे दिल से सच्चे पश्चाताप के साथ, दिल से पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर लौट के आने का यह समय दिया है, इसलिए समय यूं ही ना जाने दें बल्कि इस समय का सदुपयोग करते हुए दिन प्रतिदिन प्रभु के वचनों के सहारे हम प्रभु के और नज़दीक जाने का प्रयास करें। इसलिए आज के दिन में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस वचनों को सुनने के लिए और 40 की इस अवधि में हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का विषय है भाइयों बहनों, सच्चा पश्चाताप कैसे करें, इस बात को लेकर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं चालीसे के अवधि में हम लोगों का मुख्य लक्ष्य यही होता है, प्रार्थना करना, उपवास करना, पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना, धार्मिक क्रियाकलापों को करना, दूसरों की मदद करना, जो कुछ भी हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है, जो संगति हो, जो आदत हो या कार्य हो, उसको उससे परहेज करना और उसको दूर रखना और प्रभु के उस मित्रता में, प्रभु के सानिध्य में बढ़ना, यही हम लोगों का लक्ष्य होता है चालीसे के अवधि में, यही हम लोगों का एक उद्देश्य होता है। और इस उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए आज के दिन में आप सभी लोगों के सामने प्रभु का वचन शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। और आज के पहले दिन में जब सच्चा पश्चाताप कैसे करें इस बात को लेकर जब हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हम लोग योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 18 का प्रसंग को हम सभी ध्यान में रखते हुए हम लोग मनन चिंतन करें, क्योंकि इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु जो हम सबों से बेहद प्यार करता है, मुझसे, आपसे, हम सबों से बेहद प्यार करते हुए हम सबों को उसके सानिध्य में बुलाता है, उसके करीब बुलाता है, उसके पास बुलाता है। वो ईश्वर क्या कहता है, अब तुम लोग उपवास करो, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट के आओ, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से प्रभु की ओर लौट के आने के लिए और प्रभु के प्रति अपना प्यार, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए प्रभु का निमंत्रण है, प्रभु का बुलावा है। यह निमंत्रण, प्यार भरा निमंत्रण है मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी लोगों के लिए। हम सबों से प्यार करने वाला वो ईश्वर हम सबों को बड़े प्यार से बुलाता है, पूरे दिल से, पूरे हृदय से मेरे पास लौट के आओ, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट के आओ। यानी कि पुराने ज़माने में लोग वस्त्र फाड़ कर, टाट ओढ़ कर और अलग अलग प्रकार के विधियों को पूरा करते हुए उपवास करने का एक नज़ारा प्रस्तुत करते थे, जबकि उनका दिल प्रभु के साथ नहीं जुड़ पाता था। इसलिए प्रभु कहता है, ऐसे दिखावे वाला, बाहरी आडंबर वाला, जो हमें प्रभु के पास नहीं ले जाता हो, ऐसा उपवास, ऐसा परहेज, ऐसी धार्मिकता की आवश्यकता नहीं है जो हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु के पास नहीं ले जाता हो, बल्कि उन सभी बातों को दूर रखने के लिए प्रभु हमें बताता है। क्योंकि प्रभु बताता है, अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु की ओर लौट के जाएंगे, पाप से मुंह मोड़ेंगे, बुराई से मुंह मोड़ेंगे, प्रभु के पास जाएंगे, वह करुणामय ईश्वर, यहाँ पर लिखा है वह करुणामय ईश्वर, दयालु ईश्वर, अत्यंत सहनशील ईश्वर और दया का सागर ईश्वर, वह सहज द्रवित हो जाता है। वह ईश्वर द्रवित होगा हमारे सच्चे पश्चाताप को देखकर,
वो द्रवित हो जाएगा। जब ईश्वर द्रवित हो जाता तो क्या हो जाता है, क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर। जब द्रवित होगा वो हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं भाइयों बहनों, जब इंसान ईश्वर से दूर चला जाता है पाप करते हुए और बुराइयों में, बुरे कार्यों में, बुरे संगति में फंसा रहता है, उसके ऊपर ईश्वर के आशीष का अभाव रहता है। ईश्वर के आशीष का जब अभाव रहेगा किसी के ऊपर, वो इंसान पनप नहीं सकता, तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्रभु क्या कहता है योएल के ग्रंथ के माध्यम से, अगर मैं सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटने का पूरा प्रयास करता रहूं तो ईश्वर द्रवित हो जाएगा, और द्रवित हो जाएगा तो हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सियोन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों बालकों और दूध में बच्चों को भी बुलाओ। यानी कि सबके लिए उपवास, ये सबके लिए उपवास करने के लिए बुलाया है, बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को, युवकों को, युवतियों को, हर एक व्यक्ति को 40 के ये अवधि पश्चाताप के लिए, उपवास करने के लिए, परहेज करने के लिए बुलाता है। और खास करके यहाँ पर योएल के ग्रंथ के माध्यम से प्रभु क्या कहता है, दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले जाएं। यानी कि दुल्हा और दुल्हन इस वक्त अपना दिल उस प्रभु की ओर लगा के रखें, अपने ऊपर नहीं, अपने भविष्य पर नहीं, बल्कि हमारा भविष्य को बनाने वाले उस ईश्वर पर अपना दिल केंद्रित करें। इसलिए अपना दुल्हा दुल्हन अपने कमरा छोड़ दें, ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं, ईश्वर के सानिध्य में समय बिताएं। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें। याजकों के लिए भी बताया गया, प्रभु की सेवा करने वाले याजक मंदिर में समय बिताएं, अपनी जनता के लिए ईश्वर से दुआ करते हुए, प्रार्थना करते हुए मंदिर में समय बिताएं, प्रार्थना करते हुए प्रभु अपनी प्रजा पर दया करेगा। अगर सभी लोग इस अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएंगे, सभी लोग इस कार्यों को करेंगे, 40 की अवधि हर एक व्यक्ति के लिए अनुग्रह से भरी हुई होगी, ईश्वर के नज़दीक, ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की मित्रता में बढ़ने वाली अवधि होगी, ईश्वर की बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करने वाली अवधि होगी, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा पर दया करेगा। हम सभी लोगों के लिए भाइयों बहनों प्रभु की दया की आवश्यकता है। प्रभु की दया से हम लोग जीते हैं, हम अपने बलबूते नहीं जीते हैं, हमारे धार्मिकता से हम नहीं जीते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बता, हम सबके सब पापी हैं और हम सबों का निरंतर प्रभु की दया की आवश्यकता है। और प्रभु की दया हमें प्राप्त करने के लिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आप लोगों का अपमान ना होने दें, आप लोगों का अपमान ना होने दें, राष्ट्र में उनका उपवास ना होने दें, गैर यहूदी यह ना कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया है। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपने प्रजा को बचा लिया। जब लोगों ने इस प्रकार से सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए उस ईश्वर की ओर लौटने का एक प्रयास किया और ईश्वर उन पर दया करते हुए उनके माफ़ करता है, आशीर्वाद बरसाता है, लोगों के सामने ईश्वर उनको अपमानित नहीं होने देता है। वही बात आज की पाठ के द्वारा हम सुनते हैं, और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1-6 और 16-18 के इस पाठ के अंतर्गत हम ये सुनते हैं कि हम लोग उपवास केवल रीति रिवाज के अनुसार ना करें, एक बाहरी आडंबर के तौर पर ना करें, एक दिखावे के लिए ना करें, बल्कि प्रभु का वचन क्या कहता है, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो। यानी कि प्रभु का वचन कहता है सावधान रहो, किसी भी प्रकार से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि बाहरी जो दिखावा हम करते हैं या आडंबर करते हैं, इससे किसी के लिए कोई फायदा नहीं, ना व्यक्ति के लिए, ना दूसरों के लिए, किसी के लिए कोई फायदा नहीं। सच्चा फायदा तब होगा जब इंसान सच्चे दिल से अपने प्रभु ईश्वर की ओर लौट के आएगा,
तब सच्चा फायदा होगा। इसलिए प्रभु का वचन हमें सतर्क और सावधान रहने के लिए कहता है। किन बातों से सावधान रहना है? आडंबर से, दिखावे से, धार्मिकता के झूठे कार्यकलापों से सावधान रहने के लिए प्रभु का वचन कहता है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे इन गलत तरीकों के धार्मिकता से, आडंबर से, दिखावे से, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, इन सभी बातों को अपने जीवन से दूर नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे, यानी कि ईश्वर की आशीष से हम सभी वंचित हो जाएंगे। और हम समझ सकते हैं, जब इंसान ईश्वर के आशीषों से वंचित हो जाएगा तो कितनी कठिनाई, कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी उस इंसान को होगी, इस बात पर हम ध्यान रखें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब तुम दान देते हो, चालीसे का एक महत्वपूर्ण कार्य है दान देना, जरूरतमंदों की मदद करना, सेवा करना। दान देते हो तो इसका डिंडोरा नहीं पिटवाओ। बहुत बार लोग क्या करते हैं, दान देते हैं, अगर थोड़ा सा दान दिया तो सब जगह पर उसका फोटो आना चाहिए, सब जगह, सभी जगह पर इसकी खबर पहुंचनी चाहिए, लोगों ने वाह वाह करना चाहिए, अरे इसने इतना दान कर दिया, इसका नाम इतना बड़ा ऊंचा होना चाहिए। ये सब प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है जब तुम दान देते हो तो इसका डिंडोरा नहीं पिटवाओ, यानी कि इसका हल्ला गुल्ला मत करो। डोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं। जो डोंगी लोग हैं, जिनका हृदय ईश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वो लोग ऐसा करते हैं सभागृहों में, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, इतने इतना दान दिया, इतनी सेवा की, इतनी मदद की, वैसा किया, ऐसा किया, ये सारे काम वो लोग करते हैं जो डोंगी हैं, जो ईश्वर के साथ नहीं जुड़े हैं। इसलिए इसमें ऐसे कार्य में कोई पुरस्कार हमें नहीं मिलेगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, ईश्वर कहता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जो डोंग रचता है, वे अपने लोगों के द्वारा वाहवाही हासिल कर चुके हैं, वही उनका पुरस्कार है, और ईश्वर की ओर से कोई पुरस्कार, वो आशीष नहीं मिलेगी। जब तुम दान देते हो, क्या करना है प्रभु हमें बताता है, जब तुम दान देते, तुम्हारा बायां हाथ यहां ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। मतलब इस हद तक हम उस दान का कार्य को इस हद तक हम ईमानदारी से करें, एक हाथ से दिया हुआ दान दूसरे हाथ को पता ना चले। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी प्रकार से किसी को दिखावे के लिए, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लोग मेरी शाबाशी करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, इस कार्य के ऐसे बातों के लिए हम अपने धार्मिक कार्यों को प्रदर्शन ना करें, प्रभु का वचन कहता है। बल्कि प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यानी कि तुम्हारा दान गुप्त रहे, यानी कि हम जो किसी को भी दान देते हैं, किसी गरीब को, किसी मदद ज़रूरतमंद व्यक्ति को, वो गुप्त रूप से करें, और ईश्वर सब कुछ देखता है, वो ईश्वर हमें पुरस्कार देने वाला। लोग चार दिन तारीफ करेंगे, लोग चार दिन ताली बजाएंगे, लोग चार दिन करेंगे वाह वाह करेंगे, और उसके अतिरिक्त तो कुछ हमें हासिल नहीं होगा। तो असलियत में अगर हमें कुछ हासिल होना है, जब तक ऊपर वाला नहीं देता, जब तक ईश्वर नहीं देता, हमें कुछ नहीं हासिल होगा। ऊपर वाला कब देगा? जब हमारा धार्मिक क्रियाकलाप ऊपर वाले की दृष्टि में सही हो, तब देगा। यानी कि किसी को दान हम देते हो चालीसे की अवधि में, तो इसका कोई डिंडोरा ना पीटें, किसी के प्रकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए ना करें, बल्कि गुप्त रूप से दें, और ईश्वर जो गुप्त को भी देखता है हमें पुरस्कार देगा। यहाँ पर लिखा है, जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। दूसरी बात, डोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। पहला है दान देने का, धार्मिक कार्य दान देने का, सेवा करने का, और कैसे करना है ये बात बताइए। उपवास और पश्चाताप का एक प्रतीक है, उपवास और पश्चाताप का एक प्रतीक है। सच्चा पश्चाताप, सच्चा उपवास हमें ईश्वर की ओर ले चलता है। और ये दान देना, लोगों की सेवा करना, दूसरा प्रार्थना करना, और एक महत्वपूर्ण कार्य चालीसे की अवधि में, ये केवल चालीसे की अवधि की बात नहीं, ये खास करके मुख्य रूप से हम प्राथमिकता यहाँ पर ये दें,
40 की अवधि में विशेष रूप से हम प्रार्थना में समय बिताएं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है डोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। डोंगियों की यानी कि दिखावे करने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसी प्रार्थना ना करो। वो क्या करते हैं, डोंगी क्या करते हैं, वे सभागृह में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं। सभागृह में खड़ा होकर प्रार्थना करना, चौकों में खड़े होकर प्रार्थना करना, और लोग उनको देखते हैं और लोग बोलते हैं कितना धार्मिक व्यक्ति है, कितना प्रार्थना करता है, हर संडे चर्च जाता है, हर बार चर्च जाता है, और घुटने टेक के प्रार्थना करता है, खड़े होकर प्रार्थना करता है, कितना धार्मिक व्यक्ति है। जरूरी नहीं है किसी ने अगर 2 घंटे समय बिताया दिखावे के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए 2 घंटे प्रार्थना में समय बिताया, इसका मतलब वो धार्मिक व्यक्ति जरूरी नहीं है। वो हो सकता अपने दिखावे के लिए कर रहा हो, अपने आडंबर के लिए कर रहा हो, लोग मुझे शाबाशी दें इसके लिए कर रहा हो। इसलिए प्रभु क्या कहता, ऐसी डोंगियों की तरह प्रार्थना ना करो जिसे लोग देखें। मैं तुमसे यह कहता हूँ वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। यानी कि जब तुम प्रार्थना करते हो, प्रभु हम सबों से क्या कहता है, हम एकांत में यानी कि अकेले प्रभु के पास जाएं, अपना दिल रिश्ता जोड़ें उस प्रभु के साथ और उस प्रभु से बातचीत में समय बिताएं। और जब हम प्रभु से बातचीत करेंगे, प्रभु हमारी बात सुनेगा और प्रभु की बात हम सुन पाएंगे, वो एक रिश्ता हम जोड़ें प्रार्थना के द्वारा। सच्ची प्रार्थना, सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, उसी प्रकार से सच्ची प्रार्थना और उस सच्चाई से ईमानदारी से होती है। वैसे करने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है, तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यानी कि हमारी प्रार्थना इस प्रकार के सच्चाई पर आधारित होगी, ईमानदारी की प्रार्थना होगी, दिल खोल के दिल से ईश्वर के साथ जुड़ने के उद्देश्य होगी, तो ईश्वर हमें पुरस्कार देगा। जो हमारी प्रार्थना एकांत में की प्रार्थना वो सुनेगा। आगे प्रभु का वचन हमें बताता है डोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। उपवास करने की बात, सबसे पहले दान देने की बात हमने सुनी कैसे करना है, प्रार्थना करने की बात हमने सुना कैसे करनी है, और तीसरा है उपवास करना। डोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं और उस दिन बड़ा डिंडोरा पीटते हैं, आज मेरा उपवास है इसलिए आज मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, वो काम नहीं कर पाऊंगा, और उपवास रखा भी है। उस दिन वो लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं कब टाइम होगा, कब खाना खाएंगे, और इस बीच में उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, दूसरों के कुछ बातें बोल दी, किसी से नाराजगी हुई, तो ये किस बात का उपवास, ये उपवास नहीं हुआ, ये ढोंग का उपवास रहा। इसलिए प्रभु क्या कहता है, डोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं जिससे लोग यह समझें कि उपवास कर रहा है। यानी कि उपवास किस प्रकार का प्रभु चाहता है वो ये है जिससे लोग यह समझें कि उपवास कर रहा है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो जिससे लोगों का नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है या पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। यानी कि हमारा उपवास अच्छे दिल से एक दूसरे के साथ जुड़ने वाला उपवास, ईश्वर के साथ जुड़ने वाला उपवास। हम उपवास करते हुए हम केवल खाना पीने की ओर अपना ध्यान रखते हैं, खाना नहीं खाना, खाना को छोड़ना, ये उपवास नहीं। इसके अतिरिक्त उपवास किसी को भी कोई बुरा नहीं कहना, किसी को चोट नहीं पहुँचाना, अपने शब्दों से, अपने सोच से, अपने विचारों से, अपने आदतों से, अपने कार्यों से किसी को नहीं देना, किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करना, अगर बात करना उनके बारे में पॉजिटिव बात करना, उनको एनकरेज करना, किसी को नीचे नहीं गिराना, किसी का नाम खराब नहीं करना, ये सारी बातें उपवास के अंतर्गत आती हैं। यानी कि उपवास यानी कि ईश्वर के उपस्थिति में वास करना। ईश्वर की उपस्थिति में जब हम वास करने लगेंगे, हम कभी भी दूसरों की बुराई नहीं कर पाएंगे, दूसरों पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, दूसरों पर गलती नहीं ढूंढ पाएंगे,
दूसरों को दूसरों की परीक्षा और जलन की बात नहीं रख पाएंगे, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति में जब जीने लगता है इंसान, उपवास, ईश्वर के उपस्थिति में वास करने लगता है, वह उसी प्रेम से भर जाएगा, वही शांति से, आनंद से, खुशियों से भर जाएगा, उसी बातों को बांटेगा, प्रेम को बांटेगा, शांति को बांटेगा, आनंद को बांटेगा, और यह है सच्चा उपवास। इसलिए प्रभु हम सबों से क्या कहता है, यह 40 की अवधि हम सबों के लिए उपवास करते हुए, पश्चाताप करते हुए, दान देते हुए, प्रार्थना करते हुए हम सबों का जीवन का निर्माण करने वाला यह समय हो, दोबारा हम सबों का रिचार्जिंग हो, हमारे आध्यात्मिक जीवन का रिचार्जिंग हो, इसलिए यह अवधि हमें दी गई है। इसलिए भाइयों बहनों, इस अवधि को हम लोग यूं ही ना जाने दें, बल्कि इस अवधि में हम लोग प्रयास करें, छोटे छोटे धार्मिक क्रियाकलापों को करें, चाहे वह दान देने वाला हो, चाहे वह प्रार्थना करने वाला हो, चाहे उपवास करने वाला हो, और ये कार्य ईमानदारी से करें, सच्चे हृदय से ईश्वर की ओर लौटने का प्रयास हम करें, और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्यार, प्रभु की शांति हम सबों पर सदा ही बनी रहेगी, और इस प्रकार से कार्य करेंगे, निश्चित रूप से हम प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन का निर्माण होगा, आध्यात्मिक जीवन का उत्थान होगा, आध्यात्मिक जीवन का विकास होगा, यही हमारा परम लक्ष्य है 40 के अवधि में, यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जो हम लोगों ने मनन चिंतन किया, सच्चा पश्चाताप कैसे करें, और इस प्रकार से हमने अलग अलग तौर तरीके हमने सीखे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की हैं। आइए हम सभी इस वक्त विशेष रूप से प्रार्थना करें, आइए मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं 40 के ये अवधि दोबारा आपने हम सबों को दी है, ताकि हम इस अवधि में आपके वचनों के सहारे, आपके वचनों के प्रकाश में चलते हुए, जीते हुए आपकी ओर लौट के आए, सारे अंधकार के कार्य, सोच, विचार, संगति त्यागते हुए सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु आपके पास लौट के आने की विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य हम सबों को प्रदान कर, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।